संजय दत्त को अभिनय अपने विरासत में मिली और वो अपने पिता सुनील दत्त साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए। वैसे देखा जाए संजय दत्त की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही विवादित भरी रही है, क्योंकि ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड के चलते इन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी। लेकिन सबके बावजूद आज भी इन्हें बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान दिया जाता है। आज भी इनकी फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है। मौजूदा दौर की बात करें तो संजय दत्त आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए कलाकारों में से एक है और आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। 2022 में बैक टू बैक इनकी कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज हुई जिनमें से ज्यादातर फ्लॉपी साबित हुई, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 की अपार सफलता के बाद अब संजय दत्त आने वाले समय में एक्शन से लबरेज कई सारी फिल्में करने वाले हैं। इनकी पिछली रिलीज फिल्म शमशेरा का बुरा हाल हुआ था, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त ने आने वाले समय में फिल्मों के चुनाव के चलते अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है और इन्हें इस बात का खामियाजा भी आज भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त की पर्सनालिटी के कारण उन अलग तरह के किरदार फपते भी हैं और दर्शक भी उन्हें अलग रूप में देखना काफी पसंद भी करते हैं, खास तौर पर जब वो ग्रे शेड के कैरेक्टर्स में, तो उन्होंने अपने बीते हुए कुछ समय में काफी नाम और शोहरत भी कमाए। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जिन्हें ठुकराने का दुख आज भी संजू बाबा को है, और ऐसे ही साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म साल 2018 में आई थी जिसके लिए संजय दत्त ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें खूब पछतावा भी हुआ। बताना चाहेंगे कि संजय दत्त ने साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली दी बिगनिंग में कटप्पा के किरदार के लिए मना कर दिया था। बताना चाहेंगे कि 2015 में आई SS राजामौली की इस फिल्म ने पूरी दुनिया भर में धूम मचा दी थी और इस फिल्म के लिए इनकार करना संजू बाबा के लिए काफी महंगा भी साबित हुआ। हालांकि इसके बावजूद संजय दत्त ने एक बार फिर गलती दोहराई, उन्होंने एक और साउथ की बड़ी फिल्म को साफ तौर पर करने से इनकार कर दिया था जो साउथ की मेगा हिट साबित हुई और ये 2018 में आई फिल्म KGF चैप्टर 1 था। मिली जानकारी के अनुसार बताना चाहेंगे कि फिल्म के पहले भाग में भी संजय दत्त को अहम रोल का प्रपोजल आया था, लेकिन संजय दत्त इस फिल्म का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने 21 दिसंबर 2018 को एक बड़ी फिल्म का निर्माण करके फिल्म को रिलीज किया था और फिल्म का टाइटल था KGF चैप्टर 1। महज 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए करीब 250 से ज्यादा करोड़ की कमाई भी की थी और ये पहली ऐसी फिल्म थी जो पूरे देश भर में 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज हुई थी। साथ ही कन्नड़ सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100, 200 और 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी किया था। और इस फिल्म का प्रस्ताव ठुकरा कर कहीं ना कहीं संजू बाबा ने सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात की भरपाई भी की। फिल्म बाहुबली में कटप्पा के किरदार के दूसरे भाग में भी लेकर जाना जरूरी था, ऐसे में सत्यराज को ही फिल्म के दूसरे भाग में ले लिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर KGF चैप्टर 1 में प्रस्ताव ठुकराने के बाद संजय दत्त को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिल्म के दूसरे भाग में अधीरा का किरदार निभाकर अपनी बेहतरीन अदायगी का नमूना भी पेश किया। बताया जाता है कि प्रशांत नील ने जब दूसरे भाग के लिए फिर से संजय दत्त की तरफ प्रस्ताव का हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने झट से हाँ कह दिया। इसमें कोई भी शक नहीं था कि KGF चैप्टर 2 में अधीरा का रोल संजय के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ। अब KGF चैप्टर 3 पर काम चल रहा है और खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि इसमें भी अधीरा का किरदार दिखाया जाएगा। बॉलीवुड के साथ ही संजय दत्त के साथ साउथ की कई सारी बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव भी आ रहे हैं और आने वाले समय में वो साउथ की ताबड़तोड़ बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं।